पूजा कर सौलिंग ना हो जाएगा जब तो हम लोग मीट मछली में नहीं खाएंगे। अच्छा। तो 5 साल सूख दिए हैं, उसका बाद 1 साल सलामी उसको दे कर हटा दिए। कोई 60 ले लेता है, कोई 70 ले लेता है, जिस समझदार है तो उस सौ ले लेता है, भी लेता है। हमारा मोहल्ला इतना अच्छा है कि हिंदू मुसलमान सब साथ रहते हैं और उसको पूजा में हम लोग जाते हैं, हम लोग के पूजा में वो आता है। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज छठ पूजा। जी हाँ, ये वो पर्व है जिससे लोगों की कई प्रकार की आस्थाएं और भावनाएं जुड़ी होती है, खासकर बिहारियों की। अगर छठ पूजा से बिहारियों की कनेक्शन की बात करें तो मेरे पास शायद शब्द कम पड़ जाएं, लेकिन बातें ख़त्म ना हों। तो आज उसी छठ पूजा से जुड़ी कुछ बातें करने वाले हैं। छठ पूजा अगर आप गांव में मनाते हैं और गांव में देखते होंगे तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होता है छठी मैया के लिए, जो प्रसाद तैयार किया जाता है उसके लिए चूल्हा। तो गांव में तो अक्सर महिलाएं वो चूल्हा खुद से तैयार करती हैं या गांव में वो संसाधन उपलब्ध रहते हैं जिससे महिलाएं ये काम कर पाती हैं। लेकिन अगर बात हम पटना जैसे शहर की करें तो यहाँ पर लोगों को वो संसाधन नहीं मिल पाता है, चाहे वो मिट्टी हो या फिर चूल्हे सुखाने की जगह। ऐसे में आप पटना के वीरचंद पटेल पथ पर आइएगा तो आपको छठी मैया के पूजा के लिए चूल्हा उपलब्ध मिलेगा। यहाँ लाइन से फुटपाथ पर आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि चूल्हा रखा गया है, अभी सूखने के लिए रखा गया है। जब छठ का टाइम आएगा, हालांकि छठ का टाइम बेहद ही नज़दीक आने वाला है, तो उस वक्त ये चूल्हे की बिक्री की जाएगी। ऐसे में आज हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे जो पटना में ये चूल्हा बनाती हैं, और ये चूल्हा ये आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से बनाते आ रही हैं। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है चाची? मुस्तकीमा खातून। मुस्तकीमा खातून, तो चाची आप मुझे ये बताइए, आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं 10 साल से। 10 साल से आप छठी मैया के लिए ये चूल्हा बना रही हैं। हाँ। आप कितने परिवार? हम परिवार 7, 4 बेटी है, 3 बेटा। तो सब लोग ये काम करते हैं? बेटा या फिर बगैर करता है, बहू चूल्हा बनाता है, हम चूल्हा बनाते हैं। छठ पूजा, इसके मतलब बहुत सारे मतलब होते हैं, इसमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, चूल्हा बनाते वक्त भी बहुत शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा, क्या आप भी वो सब चीज़ों का ख्याल रखती हैं? सब कुछ चीज़ का ख्याल रखते हैं, वो सब सामान नहीं खाते हैं, जब तक छठ पूजा ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक ये सब सामान नहीं खाते हैं। नॉनवेज की बात कर रहे हैं कि मतलब नॉनवेज चीज़ों को आप लोग खाते तक नहीं है जब तक छठ पूजा नहीं हो जाती? मीट मछली नहीं खाते हैं, सब्जी अगर आप खाते हैं, दाल सब खाते हैं, जब तक पूजा सोलिंग ना हो जाएगा जब तक हम लोग मीट मछली नहीं खाएंगे। अच्छा। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि जब तक छठ पूजा संपन्न नहीं हो जाता तब तक ये लोग मीट मछली को हाथ तक नहीं लगाते क्योंकि ये चूल्हा बनाती हैं। और इसमें एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, ये चूल्हा बन के कितने दिनों में तैयार होता है? बन के तैयार हो जाता है दिवाली बाद। दिवाली बाद तो अभी से ये चूल्हा मतलब सूखने के लिए बनाया जा रहा है? सूखने के लिए बना रहे जा रहा है जी। दिवाली बाद सब बिक्री शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे छठ पूजा, इसके बारे में हम अगर हिंदुओं की बात करें तो बहुत महत्व रखता है, बहुत कुछ होता है इसमें, लेकिन अगर हम आपकी बात करें तो क्या आप भी इसके बारे में कुछ जानती है कि छठ पूजा क्यों होता है या फिर इसके मायने क्या होते हैं? छठ पूजा कैसे होता है? मानवता करता है, जिसको बाल बच्चा नहीं होता है इसलिए, और कुछ नहीं होता है उसलिए पूजा करता है। हम लोग भी अगर गच्छ लेते, कुछ हो जाता है गच्छ लेते हैं, उसको पूजा पूरा कर देते हैं इसीलिए। अभी आप लोग के इधर भी छठ पूजा होता है? हाँ, हम लोग भी होते हैं, मानते हैं। मेरे बेटा के हाथ में उज्जर हो गया था, ये लोग नहंग दिया था हुमा, तो 5 साल के हम बेटा के गच्छे थे सूप, तो 5 साल सूप दिए हैं, उसका बाद 1 साल सलामी उसको दे कर हटा दिए। मतलब ये 5 साल छठ पूजा कर चुकी हैं आप? 5 साल तक छठ पूजा की है तो हाँ, आपको तो इसके सारे नियम कायदे कानून भी पता होंगे सब कुछ? हमको हम लगा देते हैं, सूप लगाते हैं। अच्छा। मोहल्ला मेरे बनता है, हिंदू लोग बहुत है बनाता है, तो उसी में हम सब सामान ला करके फल और ठेकुआ का जितना सामान उसको लगता है ला करके उसको दे देते हैं, अपना वो बना लेता है। बस होता मन तो संगे चल जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते हैं संगे,
छठ के बाद वो छठ के बीने होके मेरे सामान पहुंचा देता है, बाल बच्चा खाता है, हम लोग खाते हैं। मतलब छठ पूजा में आपने 5 साल तक ये पूजा का सारे नियम कानून है। अच्छा ये बताइए, आप इसके लिए मिट्टी कहाँ से लाते हैं? ये मिट्टी बाहर से आता है, ट्रैक्टर से लाते हैं मोल, तब जाने चूल्हा बनाते हैं। यहाँ जाते हैं मट्टी उट्टी लावे तो भगा देता है, मार के खदेड़ के, तो बाहर से मट्टी ला के बनाते हैं चूल्हा। और कितना प्राइस रहता है ये चूल्हा बन जाने के बाद, कितने में आप इसे बेचते हैं? ये चूल्हा हम लोग बनते कोई 60 ले लेता है, कोई 17 ले लेता है, जिस समझदार है तो उस सौ ले लेता है, बिक जाता है इसी करके। तो आप लोग इसके देख रेख के लिए यहाँ यहीं पर रहते हैं पास में आप लोग? हाँ यहीं रहते हैं, भर दिन ये रहते हैं और 8 बजे आते हैं यहाँ से चल जाते हैं। हाँ फिर सुबह 6 बजे चल आते हैं। तो आप देख रहे होंगे हमारे जो पास बैठी हुई है ये खातून चाची हैं, और ये आज से नहीं बल्कि 10 वर्षों से ये चूल्हा बनाती हैं। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है, ये अनेकता में एकता की सबसे बड़ी मिसाल है। जी हाँ, ये जो चाची हैं जी, आप हमारा मोहल्ला इतना अच्छा है कि हिंदू मुसलमान सब साथ रहते हैं, और उसको पूजा में हम लोग जाते हैं, हम लोग के पूजा में होता है, सब मिल मिल के भाई रहते हैं और मिल कर के ये सब सामान बनाते हैं। बनाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे हैं, वही कि सब सामान नहीं खाते हैं अपना, छठ बाद खाएंगे, 1 महीना बाद क्या है। अच्छा एक बात बताइए, जहाँ मतलब आप कितने पढ़ी लिखी हैं आप? नहीं जाहिल हैं ना। अरे आप सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, क्योंकि जो पढ़े लिखे नहीं समझ पाते हैं वो ये नहीं पढ़ लिख कर भी ये बातें समझ गई हैं। 5 साल सूप चढ़ाए, 1 साल सलामी दिए, वो बेटा भी ससुराल में रहता नहीं, हमको लोग पूछता है, बुढ़वा बुढ़िया कमाते तो खाते हैं, कोई नहीं पूछता। ये शायद बिहार के हर घर की तस्वीर है जो निकल कर आती है, हालांकि एक अच्छी चीज़ भी है और एक बुरी चीज़ भी। अच्छी ये कि जहां एक तरफ इतने नफरत फैले हुए हैं वहां आपको बिहार से ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं, और दूसरी ये कि ये जिस बेटा के लिए छठ पूजा की थी आज वही बेटा इनको देखता तक नहीं है। आज भी बिहार में ऐसे लोग हैं जो इतने ही श्रद्धा के साथ किसी भी धर्म का पूजा हो अपना योगदान बखूबी देखते हैं, कोई धर्म कोई जात पात और सारे चीज़ से ऊपर उठकर। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये खातून चाची हैं जिनसे अभी हमने बात की। ये भी छठ पूजा एक टाइम में करती थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जितनी शुद्धता का ख्याल आप अपने घर में रखते होंगे ये चूल्हा बनाते वक्त, उतना ही शुद्धता का ख्याल ये भी रखती हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, साथ ही ऐसे तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।